नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी हरे मटर की दाल। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस तरीके से हरे मटर की दाल बनाती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर जो है एक पेस्ट तैयार करना है। एक टमाटर मैंने यहाँ पर लिया है और कुछ हरे मिर्च मैंने यहाँ पर लिए हैं। टमाटर के आप देख सकते हो मैंने बीज जो है वो निकाल लिए हैं और मैं अब इसे एक अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। जब तक पेस्ट तैयार होता है, हम पहले एक कुकर में, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, उसमें मैं 2 सूखी लाल मिर्च दूंगी और 1/2 टीस्पून में जीरा ऐड करूंगी। करके इसे थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसमें मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियां को क्रश कर लिया है। क्रश करके मैं इसमें ऐड करूंगी। अगर आपको प्याज और लहसुन के बगैर ये दाल बनाना है तो भी आप बना सकते हो, ये वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्याज और लहसुन मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब मैं थोड़ा सा प्याज दूंगी। आप मैंने यहाँ पर छोटे साइज का एक प्याज लिया है। बहुत ज्यादा प्याज हमको ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही प्याज हमको चाहिए। और मैं प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून से भी कम थोड़ा सा ही हींग ऐड करना है। देखिए यहाँ पर जो है प्याज वो अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च का जो मैंने एक फाइन पेस्ट तैयार किया है उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद इस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से चलाना है और अच्छे तरीके से भूनना है, जिससे कि इसमें जो कच्चापन है वो बिल्कुल ही दूर हो जाए और ये बहुत स्वादिष्ट हो खाने में। मसाले को जब तक आप अच्छे से नहीं भूनोगे तब तक कोई भी खाने में स्वाद बिल्कुल नहीं आता है। यहाँ पर देखिए हरे मटर को हमें पीसना है। बहुत ज्यादा हमको पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा पीसना है। थोड़ा सा पेस्ट और थोड़ा सा साबुत हमको रखना है। मैं आपको पीस के जरूर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से पीसा है। यहाँ पर देखिए मसाला जो है भून चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर यूज किया है। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप मिर्च को कम ज्यादा कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर लाल मिर्च के जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज कर सकते हो, जिसमें कि तीखापन जो है वो कम होता है। अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला जो है भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इस मसाले को फिर से हमें भूनना है। हमने पानी इसलिए ऐड किया है जिससे कि मसाला जो है वो जल ना जाए, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। करके हम मसाले को और अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए यहाँ पर जो मटर है बिल्कुल इस तरीके से पीसना है, दरदरा पीसना है हमको। देखिए यहाँ पर मसाले जो है वो भी अच्छे तरीके से भून चुका है। मसाले ने बिल्कुल तेल जो है वो अलग हो गया है मसाले से। अब हम इसमें और थोड़ा सा पानी देके फिर इस मसाले को फिर से हम इसको इसी तरीके से भून लेंगे। देखिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। करके हम मसाले को फिर से अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए हमने 2 मिनट के लिए फिर से इसको भून लिया है मसाले को। अब हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून चीनी ऐड किया है। बहुत ज्यादा चीनी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर स्वाद के लिए चीनी जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। ये मसाला जो है भून के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो मटर हमने दरदरा पीसा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके हमें अच्छे तरीके से इसे मसालों के साथ मिक्स कर लेना है।
देखिए इस तरीके से हम इसको मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें करीबन 1 कप पानी ऐड कर देंगे। करने के बाद इसे हमें 2 सीटी तक पकाना होगा। जैसे ही 2 सीटी होगी आपको गैस ऑफ कर देना है, नहीं तो ये ज़्यादा गल जाएगा, इसीलिए हम 2 सीटी तक इंतज़ार करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है हरे मटर की दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप किसी भी के साथ खा सकते हो, नान, पूरी, पराठे या फिर चावल के साथ। आज का ये वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।